Good evening, good evening. So let us begin with set A of the exercise unit 1. Measure of central tendency for the given set of observation measures dash. What will be the answer? Scatterness to beta humne padhai nahi abhi tak. Theek hai? It deals with what? The central location of the observations. Central location of the observations. जल्दी से सेकेंड व्हाइल कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी अज्यूम दैट क्लास इज इक्वल एंड ऑल द वैल्यूज विल बी व्हाट मिड वैल्यूज 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 40 टू 50 जब भी ऐसा होता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं हम लोग मिड वैल्यूज कंसीडर करते हैं ठीक है First two, any doubts to anyone? Okay. Which of the following statements is wrong? पहला बोला है mean is rigidly defined. ये देखो wrong statement बोला है. Wrong statement क्या बोल रहा है? Mean is not affected due to sampling fluctuation. Effect होता है. हमने देखा है. अगर एक भी observation में मैंने कुछ change लाया, 1, 2, 3, 4, 5 की जगह पे 1, 2, 3, 4, 50 कर दिया तो मीन को इफेक्ट होता है ठीक है मीन डज गेट्स इफेक्टेड फॉर द सेम सो 3 डन सम नंबर 4, 5 एंड 6 एवरीबॉडी प्लीज ट्राई सम नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन की मोड देखो मोड तो हो नहीं सकता क्योंकि मोड इज इल डिफाइंड मीडियन डजंट डिपेंड्स ऑन ऑल दी वैल्यूज मीडियन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है सेंट्रल वैल्यूज पे ठीक है अकेला मीन है जो आपको बेस्ट मेजर दे सकता है ठीक है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब सभी लोग ध्यान से समझिए करेक्ट यूजुअली जब भी कोई क्लासिफिकेशन होती है इट इज व्हाट 10 टू 20 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ठीक है इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड लेकिन बहुत ध्यान से वेरी केयरफुल ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें आपको ये पहला इंटरवल नहीं दिया गया हो इट इज इनडिटर्मिनेट यानी कि इंफिनिटी इट इज आइदर पहला इंटरवल यानी कि इंफिनिटी टू 20 या तो फिर आपको ये जो दूसरा है करेक्ट वो आपको इन्फिनिटी दिया है करेक्ट येलो कलर नहीं दिख रहा है वो आपको क्या दिया है इन्फिनिटी दिया है करेक्ट या तो फिर दोनों ही इन्फिनिटी है मैं फिर से रिपीट करता हूं ठीक है पहला इन्फिनिटी करेक्ट या तो लास्ट वाला इन्फिनिटी या तो फिर दोनों ही इन्फिनिटी इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वी कैन नॉट डिटरमाइन क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हमें पता ही नहीं है क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और हमें ना ही पता है कि क्लास एंड कहाँ पर हो रहा है तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब क्या या तो आपको स्टार्टिंग नहीं दिया है या तो आपको एंडिंग नहीं दिया है या तो आपको दोनों भी नहीं दिया है बोला है ऐसे केस में विच विल बी द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताइए एरिथमेटिक मीन नहीं हो सकता बिकॉज मीन डिपेंड्स ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस ऐसा कौन सा इनमें से मेजर है करेक्ट जो सब ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड नहीं करता मोड इज इल डिफाइंड करेक्ट सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट मीडियन एवरीबॉडी एग्रीज इट इज गोइंग टू बी मीडियन ओके Sixth, the presence of extreme observations does not affect. Presence of extreme observations does not affect dash. Arithmetic mean, क्यों? Arithmetic mean सारे observation consider करता है? Yes or no? अगर एक भी observation आप consider करेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ हमारा arithmetic mean जो है वो भी change हो जाएगा? Yes or no? Yes or no? Yes, right?
तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट, तो एरिथमेटिक मीन इज नॉट इफेक्टेड, ठीक है। नहीं, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस बोला है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस नहीं, मीडियन इज सेंट्रल ऑब्जर्वेशन गौरव, मीडियन इज सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम मतलब पहली और आखिरी वैल्यू, करेक्ट। पहली और आखिरी वैल्यू कब प्रॉब्लमेटिक होगी, जब वो डिफाइन नहीं की गई हो, ठीक है। सो प्लीज डोंट बी अंडर दैट कंफ्यूजन। सेवेंथ, कोई बात नहीं हिनल, ठीक है। सम नंबर सेवेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, सम नंबर सेवन, कुछ भी, पहले सात सम्स हुए हैं ना, अभी तक छह सम्स, सम नंबर सेवन चालू है हमारा। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, बताइए विच शुड बी द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ इवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विच विल बी द मीडियन, स्मृति बाद में अभी बेटा, इट शुड बी व्हाट, द सिंपल एवरेज ऑफ व्हाट, मिडिल टू वैल्यूज, यस और नो। सो सेवेंथ आंसर विल बी व्हाट, बी, सेवेंथ का आंसर होगा बी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। एरिथमेटिक सिर्फ मीन किधर यूज नहीं होगा, ओपन एंड क्लासिफिकेशंस में एरिथमेटिक मीन जो है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। सम नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, इट इज मोड। मोड के दो डेफिनेशंस हैं, पहला डेफिनेशन क्या है मोड का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दूसरा डेफिनेशन क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। सम नंबर नाइन, एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, एसपी स्टूडेंट्स, ओके योगिता एनी डाउट्स, ओके किशन, मोहित आडवाणी, किशन एंड मोहित आडवाणी, मोहित उस टाइम पूछने का ना बेटा, अभी एंड में देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो टेंथ में देखते हैं, अभी फिलहाल टेंथ पे आगे बढ़ते हैं। मोहित, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, इन चारों में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होगा कंप्यूट करना, वेरी गुड, इट इज जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, क्यों, आपको एन रूट तक जाना पड़ेगा ना अगर एन वैल्यूज हैं तो, ठीक है। सम नंबर 11, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट्स, एवरेज रेट्स के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, करेक्ट, विच आर कंसीडर्ड, एरिथमेटिक तो मीन यूज करते ही हैं, साथ में आप हार्मोनिक मीन भी यूज कर सकते हैं, यस और नो, कैन वी यूज बोथ, कैन वी यूज बोथ, करेक्ट, एवरेज रेट्स के लिए, करेक्ट, कैन वी यूज बोथ, दोनों ही देंगे हमें आंसर। देखो एक कभी यूज हो सकता है, ध्यान से सुनिए सुमित, ध्यान देना, अगर सिर्फ एरिथमेटिक मीन बोलोगे मतलब क्या, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज हाइट, एवरेज टाइम, एवरेज वेजेस एक्सेट्रा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। या अगर आप सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जीएम बोल रहे हैं, तो जीएम आप कभी भी यूज नहीं करते हैं फॉर फाइंडिंग एनीथिंग, ठीक है। जीएम हम कब यूज कर रहे हैं, आर वी गोइंग टू यूज फॉर फाइंडिंग एनी एवरेजेस, इट इज अ काइंड ऑफ अ मीन, इट इज अ टाइप ऑफ एवरेज,
हार्मोनिक मीन अगेन हम लोग यूज करते हैं, याद है एरोप्लेन वाला सम? यस और नो? एरोप्लेन वाले सम में देयर वॉज अ केस जहां पे हम एम और एच एम दोनों ही यूज करते हैं, करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी, सॉरी एम एंड एच एम, एम एंड एच एम शुड बी यूज्ड. इज और आर कंसीडर्ड फॉर एवरेज रेट्स? AM is been used for finding averages. GM is been used just it's a type of average and HM. ठीक है, इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी करानी बाकी है. We'll deal with 11th after one property. ठीक है, ये 11th जो है इसके लिए एक प्रॉपर्टी करनी बाकी है, वो होने के बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है गौरव, मेक अ नोट, 11th बाकी है इसमें. गौरव, मोहित, मेक अ नोट, 11th इज रिमेनिंग, 1 टू 10 हो गए हैं. 12th, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? एवरीबडी मस्ट आंसर. इट इज ए, इट इज योर एम्पिरिकल रिलेशनशिप. थर्टींथ, सम नंबर 13, वेटेड एवरेजेस आर कंसीडर्ड व्हेन? व्हेन यू आर गोइंग टू कंसीडर वेटेड एवरेजेस? वेटेड मतलब क्या? किसी को रिलेटिव इंपॉर्टेंस देना. यहाँ पर बोला है डेटा इज नॉट क्लासिफाइड, डोंट नो. डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नो. ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव इंपॉर्टेंस, करेक्ट? सभी को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया. यू शुड रिमेम्बर द एग्जाम्पल, इंग्लिश और मैथमेटिक्स को हायर वेट दिया था हमने कंपेयर टू अदर्स, करेक्ट? सो सी. ठीक है, सम नंबर 14, इसका आंसर हमें योगिता देगी. योगिता आपको आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड ट्रू? लेकिन देखो क्या बोला है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस. अदर्स ऑल्सो आंसर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट? अगर देखेंगे तो ए और सी दोनों ही सही हैं, लेकिन सी इज मोर बेटर आंसर. यस और नो? डू ऑल एग्री विद दिस? ए और सी दोनों ही सही हैं, बट सी विल बी ए मोर बेटर आंसर, सो प्लीज रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, व्हेन ए फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, Which of the following measures cannot be considered? इनमें से कौन सा मेजर जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता? What do you think? B, क्यों? क्यों? बोलो सुमित. सुमित को कुछ बोलना है, बोलो सुमित. जिसका रीजन थोड़ा ट्रिकी टाइप है वो लिखवाओ, वो आप लिख लो ना बेटा. आपको जो लिखना रहेगा मुझे बताना, मैं ब्रीफ में आपको समझा दूंगा, वो आप लोग लिख लेना. आप बताना कौन से सम में लिखना है, मैं वो सम में लिख दूंगा बाजू में. ओके सुमित, आप क्वेश्चन नंबर बता देना ना सुमित, वो मैं रुक जाऊंगा उस क्वेश्चन पे अभी. फर्म रजिस्टर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैनॉट बी, जीएम हम कंसिडर नहीं कर सकते, उसका रीजन है. जोमेट्रिक मीन क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? वी टॉक अबाउट रूट एंड इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन. प्रॉफिट जब तक है नो इश्यूज, लेकिन लॉस में क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारा जीएम जो है वो डिफाइंड नहीं है. ठीक है, जीएम इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज. 16th, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू डैश फोर इक्वल पार्ट्स. क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, अभी ध्यान से ओगिव मैंने आपको नहीं बताया है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा. ओगिव का मतलब होता है फ्री हैंड कर्व, हमने लाइन के अकॉर्डिंगली सीखा था. तो ओगिव्स हम यूज करते हैं टू ड्रॉ
करेक्ट, और पार्टीशन वैल्यूज कॉन्सेप्ट वही है, Q1 Q2 Q3 हर एक 25% ही रहेगा, 25 25 25 एंड 25, बट जो ग्राफिकली हम यूज करते हैं द फ्री हैंड कर्व जिसको हम बोलते हैं ना, यू यूज योर फ्री हैंड फॉर ड्राइंग द कर्व, ऐसे कर्व्स को हम कहते हैं ओगिव्स, फ्री हैंड कर्व्स आर कॉल्ड एज ओगिव्स। सो क्वार्टाइल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओगिव्स यूज करते हैं। हर्ष इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओगिव का मीनिंग मालूम होना चाहिए, इट इज फ्री हैंड कर्व। हम लोग कभी भी स्केल वगैरह यूज नहीं करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग क्वार्टाइल्स, वी ऑलवेज यूज द फ्री हैंड कर्व। 17 सभी को समझा, 17, लेकिन हम बाकी के लिए भी 25% बना सकते हैं ना, आप क्यों नहीं बना सकते करण, बिल्कुल बना लो ना। तो Q1 के लिए आप क्या बोलोगे, Q1 के लिए बिलो 25 अबाउ 75, Q2 के लिए क्या बोलोगे मीडियन, Q3 के लिए क्या बोलोगे लेस देन दिस 25 एंड अबाउ इज 25, 75 25। बेटा बना सब कुछ सकते हैं, लेकिन वो ग्राफिकली बोल रहा है, ठीक है, ग्राफिकली वी यूज ओगिव्स, ठीक है। ये सीनल आई टोल्ड इट करेक्टली, ओगिव इज द ओनली विच वी यूज इट फॉर क्वार्टाइल्स, ओगिव्स क्वार्टाइल्स के लिए हम लोग हमेशा ओगिव यूज करेंगे, ओगिव इज फ्री हैंड कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, इनमें से कितको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, तीनों को है ना, AM में भी है, करेक्ट, GM में भी है और HM में भी है। एक कॉमन ही बता दूं, कांस्टेंट का हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। हर्ष इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। ओके, पीयूष पूछ रहा है कि सर डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में भी हो सकता है क्या, बेटा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने क्वार्टाइल्स के लिए ही रेस्ट्रिक्शन रखा है, जब डिसाइल्स की बात आएगी तो मैं आपको डिसाइल और परसेंटाइल का भी ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। वी यूज ओगिव्स, ओगिव एक टाइप ऑफ कर्व है और कुछ नहीं है। 18, 19 एंड 20 नाउ, 19 and 20, which of the following measure satisfies the linear relationship between the variables, what should be the answer for 19th, linear relationship yaad aa raha hai kisi ko, linear relationship, are if y is equal to a plus bx to kya sikhaya aapne, what is the linear relation, if y is equal to a plus bx, तीनों के लिए वैलिड है ना, y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, y मीडियन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मीडियन, करेक्ट, सॉरी इधर बार दे दिया मैंने, नहीं है करेक्ट, y मोड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मोड, सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी, ठीक है। विच ऑफ द measures of central tendency is based on 50% of the central values, 50% of the central values, come on give the answer, answer of 20, sum number 20 ka answer bataiye, sabhi log, kuch log answer nahi de rahe, yes now the answers are coming, it will be median, theek hai, leaving 11 set A done, yes Inal, okay, so 19 are done in set A, अभी हम आगे बढ़ते हैं set B पर, set B में what will be the answer for first, क्या मैं कह सकता हूं हमें solve करने की भी जरूरत नहीं है, first one, तीन observation दिए, बोला है sum of deviations of observations, हम लोग क्यों निकालें, we know the result,
करेक्ट, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सुमित आपके लिए लिख रहा हूँ, सम ऑफ डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आता है बेटा, जीरो आता है, करेक्ट। क्यों मैं मीन निकालूं, मीन निकालने के बाद हर एक में से माइनस करूं और आगे बढ़ूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज जीरो, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन सम नंबर वन, सम नंबर वन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी है आपके अरिथमेटिक मीन का, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। किशन मोहित एनी डाउट्स? किशन मोहित एनी डाउट्स? ओके, अभी व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मीडियन क्या होगा, व्हाट विल बी द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? पहले तो चेक करो क्या डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, फर्स्ट चेक इज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। किसी को डाउट आ रहा है क्या मीडियन निकालने में, नहीं ना, ओके। सेवेंथ, फिर व्हाट इज द मोड वैल्यू फॉर द फॉलोइंग नंबर, मोड क्या होगा, सम नंबर थ्री का आंसर दीजिए, मोड, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आई होगी ऑब्जर्वेशन, करेक्ट एवरीबॉडी, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, भूमिका आपका आंसर नहीं आ रहा है, मोड कौन सी वैल्यू, दस दो बार आई है ना, तो टू। व्हाट इज द जीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, चलो भाई शुरू हो जाओ, जीएम कैसे निकालोगे, फोर्थ सम, जीएम विल बी एट इंटू 24 इंटू 40, करेक्ट, टू दी पावर 1/3। मुझे बताइए व्हाट इज टर्निंग आउट टू बी, क्या आ रहा है आंसर, कैसे करोगे, 8 को मैं कैसे लिखूंगा, ये मैं एसपी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 8 आई कैन राइट इट एज 2³, 24 कैसे लिखूंगा बेटा, 4 6 24, मतलब 4 × 6 3 × 2, 40 में कैसे लिखूंगा बेटा, हाउ आई विल राइट 40 एज 5 8 40, तो 40 मैंने लिखा 2³ × 5। किसी को कोई डाउट सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, एसपी स्टूडेंट्स, किशन मोहित अनीशा एनी डाउट्स? 24 को मैंने 2³ × 3 लिखा है और इसको 2³ × 5, ओके। अभी ध्यान से, 2 का पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9, 2 raised to power 9, 3 का पावर एक ही है और 5 का पावर भी एक ही है, द होल रेस टू 1/3, ठीक है। अभी क्या मैं कह सकता हूँ, इट इज 2 raised to 9 × 15 × 15 टू दी पावर 1/3, ठीक है, यस और नो? अभी ध्यान से, बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस ये क्या हो जाएगा, 2 raised to 9 × 1/3 एंड 15 × 1/3, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 9 × 1/3 और ये हो जाएगा ³√15, तो ये 2³ आ जाएगा, दैट इज 8 × ³√15, ऑप्शन इज सी। एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 4? Any doubts to anyone in sum number 4? Anybody having any doubts, please ask in sum number 4. Sabhi SP students ko samjha. Shani, Shani Singh aaya hai, Shani.
शनि समझा क्या? शनि शनि आया है? हाँ शनि, सॉरी मैंने आपका नाम लिया शनि, क्योंकि ऐसे टाइप के सब में आपको डाउट था, इसीलिए मैंने बोला एक बार पूछ लूँ। ठीक है चलो, सम नंबर 5, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज थ्री, ये आपको आना चाहिए, सभी लोग आंसर देंगे। हार्मोनिक मीन ऑफ दीज थ्री क्या होगा? 3/ सम नंबर 5, 3/1/2+1/3+1/5, सभी लोग आंसर दे रहे हैं सी। एवरीबडी इज गिविंग द आंसर एज सी। लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर पीपल। किशन का आंसर आया क्या? किशन ओके ओके। सिक्स्थ देखिए, एरेथमेटिक मीन एंड जीएम ऑफ टू नंबर्स आर सो एंड सो, द रेस्पेक्टिव नंबर्स विल बी। चलो ठीक है, इसमें रिवर्स ही जाना चाहिए हमें। ठीक है, वी शुड गो रिवर्स इन दिस केस। सम नंबर 6 करेक्ट। 6+7 कितना होगा? एवरीबडी आंसर, 6+7 कितना होगा? 13, 13/2, 6.50। ठीक है, एम आ रहा है, लेकिन क्या 6 × 7 42, 42 का क्या हमें रूट 6 मिलेगा क्या बेटा? क्या हमें 42 का रूट 6 मिलेगा क्या? नो। ठीक है, अभी 4 और 9, 4+9 32, सॉरी 13, 13/2 6.50, 4 × 9 36। यस, कैन आई से बी विल बी द करेक्ट आंसर? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? कैन आई से बी विल बी द करेक्ट आंसर? सुमित समझा? सुमित सुमित किशन मोहित, मोहित ने यस भेजा है। किशन यार बहुत लेट रिप्लाई कर रहा है। किशन डिड यू अंडरस्टूड? ओके। सेवेंथ, एरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर गिवन। बोला है जीएम, जीएम सेवेन फॉर्मूला याद है क्या? जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू am × hm। आज सवेरे ही किया है। करेक्ट, am × hm कितना आएगा बेटा? 5 × 3.2। व्हाट विल बी 5 × 3.2? 16 आ रहा है। करेक्ट, और 16 क्या है बेटा? जी एम स्क्वायर है। करेक्ट, तो हमें जीएम चाहिए, तो जीएम कितना हो जाएगा बेटा? 4। आपको याद होना चाहिए इट कंसीडर्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो 4 ऑप्शन है क्या हमारे पास? डी। हर्ष टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके, सेवन सम्स डन, 8, 9, 10 करेक्ट। इसमें से कुछ कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। 8 होमवर्क, हिनल कंसीडर करना है बेटा इसको। 8 और 9 होमवर्क कंसीडर करना है। क्यों? आप सभी को पता है कि डिसाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, डेटा को अरेंज करना है, उसके बाद फॉर्मूला। ठीक है, तो हिनल फिर भी मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि वी हैव लेफ्ट इट। नो, वी आर नॉट लीविंग इट। सिमिलर काइंड ऑफ सम्स हो चुके हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 विल बी वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। डिसाइल D3 विल बी थ्री टाइम्स n+1/10th ऑब्जर्वेशन। याद रखना, प्लीज अरेंज बोथ दीज डेटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, सम नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 10, इफ देर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 और 20 ऑब्जर्वेशन हैविंग 50 और 60 एज मीन। ठीक है, दो ग्रुप हैं, N1 में लेता हूं 30, N2 में लेता हूं 20।
एक्स वन बार आपको दिया है 50, एक्स टू बार आपको दिया गया है 60, करेक्ट, 50 एंड 60 कंबाइंड मीन पूछा है, सभी लोग कैलकुलेट कीजिए अभी का अभी, इट विल बी एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, सभी के पास कैलकुलेटर्स हैं, प्लीज ट्राई क्विकली, 30 इंटू 50 प्लस एन टू है 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू विल बी 50, प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर, प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर, ओके, टर्न्स आउट टू बी सभी का आंसर 54 आ रहा है, हर्ष टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, हर्ष टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, नाउ सम नंबर 11 सभी लोग ट्राई करेंगे अगेन बेस्ड ऑन योर कंबाइंड मीन, बेस्ड ऑन कंबाइंड मीन ही है, याद है क्या ट्रिक कैसे किया था हमने इसको, एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000, ठीक है 10,000 अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स का कितना है बेटा 15,000, स्किल्ड वर्कर्स का 15,000 कंबाइंड कितना दिया है 12,000, करेक्ट, बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2,000 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3,000 का, क्या करेंगे चौकड़ी मारेंगे, करेक्ट, क्या आ जाएगा 3,000 और इधर क्या आ जाएगा 2,000, वन रुपी टेक्निक, 3,000 अपॉन क्या आ जाएगा 5,000, ये भी क्या आ जाएगा 5,000, यानी कि 3/5 एंड 2/5 कितना परसेंटेज आ रहा है जल्दी बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज, 40% स्किल्ड वर्कर्स का चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स इज इट टर्निंग आउट टू बी 40, ये 60% आ रहा है, ये 40%, तो अनस्किल्ड वर्कर्स वाला कॉलम देखो, अनस्किल्ड है 60, तो स्किल्ड कितना आ गया 40, करेक्ट, एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, ये सब हमने किया है बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो, वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, वेरी गुड मोहित, करेक्ट, ओके, 12th हम बाद में करेंगे, 13th हम बाद में करेंगे, 12th 13th आफ्टरवर्ड्स, करेक्ट, गौरव हिनल मोहित आचल नोट कीजिए, 12 एंड 13 लेटर, ठीक है, 14th होमवर्क, 14th इज होमवर्क, पूछो क्यों आज सवेरे एरोप्लेन वाला किया है हमने, आज सवेरे ही एरोप्लेन वाला किया है, तो 14th यू आर गोइंग टू काउंट इट, 14th आप काउंट करेंगे, लेकिन एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए, मतलब ए टू बी जा रहा है प्लेन और फिर वापस बी टू ए आ रहा है, तो क्या कांस्टेंट हुआ, व्हाट इज कांस्टेंट, ए टू बी, बी टू ए, कांस्टेंट क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ ना, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज न्यूमरेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज कांस्टेंट व्हाट वी कैलकुलेट, सुमित सोच के बोलो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, सुमित आप भूल गए हैं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट, न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है तो हम एचएम निकालते हैं भाई, सुमित आज सवेरे किया है यार, न्यूमरेटर कांस्टेंट तो एचएम, डिनोमिनेटर कांस्टेंट तो ए एम, ठीक है, हर्ष टेक द स्क्रीनशॉट, ओके 15th पर आगे बढ़ना है अभी, 15th इफ ए वेरिएबल अज्यूम्स
the values with frequencies, what is the arithmetic mean? ठीक है, आपको arithmetic mean पूछा है. Everybody remembers the formula. अगर am with frequency पूछा है तो formula क्या होती है? X bar is equal to summation of fi xi upon capital N. Correct? Anybody having any doubts in the formula? Anybody having any doubts in the formula? Correct? तो xi कितने दिए हैं हमें? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. F कितना दिया है? Frequencies कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5. करेक्ट, हमें पहले X into F निकालना पड़ेगा. 1, 4, 9, 16, 25. टोटल बताइए. Tell me the total. दो टोटल कैसे हो सकते हैं बेटा? Give me a single total. Okay, total आया है 55. क्या मैं इसको number of observation से divide करूंगा कि मैं इसको frequency से divide करूंगा? Am I going to divide it with number of observation की frequency? Frequency, correct? लेकिन फिर भी मैं इधर गलत लिख के बता रहा हूँ. जो बच्चे 55 divided by 5, that is number of observations करेंगे, I am saying you that will be considered wrong. जब भी frequency दी जाए आप क्या करते हैं? You divide it by the total number of frequency. What is sum of all frequencies? Sum of all frequencies कितना है बेटा? 15. Correct. तो arithmetic mean 55 upon 15. क्या आ रहा है answer? Table लगा दो. Phi का table. Sum number 15. Anybody having any doubts? Sum number 15. Any doubts to anyone? Okay. 16th पर 16th मैं नहीं बताऊंगा. We have done in the morning. Check करो. 16th is already done in the morning. 17th is also done in the morning. I think it was minus 27. 18 is also done in the morning. 18th का answer क्या आया था आपको? 18th का answer क्या आया था? क्या कोई बताएगा? 18th का answer सबेरे ही किया है. 13, 16, 17, 18 already done in the morning. 19th geometric mean. अभी इधर मेरे को आपको property बतानी है. I need to tell you the property of geometric mean. ध्यान से. प्रॉपर्टी ऑफ GM, ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, करेक्ट, इफ यू हैव से Z इज इक्वल टू X इनटू Y. सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, सुमित को नहीं दिख रही है, बाकी सभी को दिख रही है. हाँ, मॉड्यूल वाली बेटा, बाजू में हमने सम नंबर 15 किया है, लेफ्ट साइड में सभी को दिख रहा है ना? ओके, प्रॉपर्टी ऑफ जीएम. हाँ सुमित, रिज्वाइन करो, मैं आपके लिए वेट करता हूं. सुमित रिज्वाइन, आई एम वेटिंग फॉर यू. Sumit, is it visible now? Okay. तो property of geometric mean है, अगर दो variables का multiplication is equal to z या दो numbers, तो geometric mean का property कहता है then geometric mean of z is equal to geometric mean of x
इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। मतलब अगर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में है तो ये भी आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अगर आपको दिया है फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स का डिवीजन और आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दिया है 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दिया है 15, और एक्स और वाई का पूछा है, तो ध्यान से आई विल से लेट जेड बी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो मुझे जेड का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। ठीक है, तो दैट इज 10 into 15 कितना आ रहा है बेटा, 150। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, सम नंबर 20। The arithmetic mean and geometric mean for 10 observations are both 15, then the harmonic mean will be. आपको लगता है हमें सम को सॉल्व करना चाहिए? AM और GM दोनों ही observations का 15 है, तो HM भी क्या आएगा, 15 ही आएगा। Do you all agree with this? अगर AM और GM दोनों ही 15 है, देखो AM आपको दिया है 15, करेक्ट, और GM आपको दिया है 15, करेक्ट, तो AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM हो जाएगा ना, करेक्ट किशन, करेक्ट, तो कैन आई से डायरेक्टली इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 15। हर्ष टेक द स्क्रीनशॉट। टोटल कहां पहुंचा, दोनों एक्सरसाइज में 40 सम्स हैं, कितने हुए हमारे हिनल, 37, 3 बाकी हैं, वो प्लीज नोट कीजिएगा, जिम्मेदारी आचल हिनल गौरव और मोहित आडवाणी की है। ठीक है, सेट ए सेट बी डिस्कस्ड, इससे मुझे याद आया इंडेक्स नंबर का सेट ए आपको करना है। ठीक है, उसका मुझे याद दिलाना गौरव, लेक्चर के एंड में डिसाइड करेंगे कि कभी डाउट सेशन रखना है उसका। ठीक है, क्योंकि हमने एडिशनल किया है, सेट ए बहुत ईजी है, एक डाउट सेशन लेके उसको भी डिक्लेयर करना है हमें। ठीक है, तो सेट ए सेट बी इज डन। सेट सी 5 मार्क के सम्स हैं, 5 मार्क के सम्स कभी भी आपको 2 मार्क के लिए नहीं पूछे जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अनदर स्क्रीन विथ यू, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम। जब तक सभी लोग रेडी हो जाइए। ओके, एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिख रहा है सभी को? Additional question bank, is it visible to everyone? Okay. 5 minute ka water break le lo. Take 5 minutes water break. So the answer for first is central tendency, mean median mode, second. Very good. Everybody must participate. This called as arithmetic mean. Third, dash is the most stable of all measure of central tendency. सबसे ज्यादा stable mean median mode में सबसे ज्यादा stable, ध्यान रखना। देखो central tendency बोला है, central tendency, तो उसमें सबसे ज्यादा stable हमारा क्या है, AM। Fourth is, फोर्थ में काफी लोग मिस्टेक करके आते हैं, इन फोर्थ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मीन इज ऑफ डैश टाइप्स, मीन इज ऑफ डैश टाइप्स, मीन कितने टाइप्स के हैं, वेरी गुड, 3, करेक्ट, 3 टाइप्स, कौन से 3, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, करेक्ट। सुमित एनी डाउट्स? सुमित ओके, नहीं वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना सुमित,
प्रॉपर्टी है, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है वो, कंबाइंड मीन अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लस ही किया है उसमें हमने, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन इज रिलेटेड टू डैश, वेटेड अरिथमेटिक मीन करेक्ट, वेट जिसका ज्यादा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, करेक्ट, मतलब हमने उसको रिलेटिव इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेट्स, ट्रू की फॉल्स, फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेट्स, इट इज ट्रू, करेक्ट, दैट विल डिफाइन दी रिलेटिव इम्पोर्टेंस। अभी क्या हमें सम नंबर 7 करने की जरूरत है कि आप डायरेक्टली आंसर दे रहे हो? सम नंबर 7, द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो, जीएम फॉर एन ऑब्जर्वेशंस इज द डैश रूट ऑफ द प्रोडक्ट, एट, जीएम ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज द डैश रूट ऑफ द प्रोडक्ट, एन रूट दो होते हैं तो स्क्वायर रूट, तीन होते हैं तो क्यूब रूट, करेक्ट, चार होंगे तो फोर्थ रूट, पांच होंगे तो फिफ्थ रूट, इन जनरल एंथ रूट। हर्ष स्क्रीनशॉट लेते जा बेटा, एट सम्स डन। ओके, सम नंबर 9, दी अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 8, 1 एंड 6 फ्रॉम अरिथमेटिक मीन 5 इज, व्हाट विल बी द आंसर? इट इज गोइंग टू बी 0। 10th, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 4 एंड 2, 10th सम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 4 एंड 2, 8 into 4 into 2, 4 2, और इधर है हमारा क्यूब रूट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जार 8, 8 8 जार 64, 64 to the power 1/3, ये किसका क्यूब होता है बेटा, 4 क्यूब। शनि समझा क्या? शनि शनि डिड यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट 11th, सम नंबर 11, डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ एम्स, सम नंबर 11 इट विल बी ए, एम इज नेवर लेस देन जीएम, ट्रू की फॉल्स? सुमित आंसर देगा इसका, सुमित विल आंसर, वेरी गुड, ट्रू, एम कभी भी छोटा नहीं होता है जीएम से, याद आ रहा है कि हमने रिलेशनशिप क्या किया है, एम इज ग्रेटर देन जीएम विच इज ग्रेटर देन एचएम, किसके लिए? फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अगर सिमिलर ऑब्जर्वेशन होंगे तो इक्वल टू भी आ जाएगा, तो ट्रू। 13th, सम नंबर 13, जीएम इज लेस देन एचएम, सम नंबर 13 बी। सम नंबर 14, सम नंबर 14, the value of middle most item when they are arranged in order of magnitude, यानी कि ascending या तो descending order, it is what? Median. Median is unaffected by extreme observations. True. Correct. Median को फर्क ही नहीं पड़ता कि पहली और आखिरी observation क्या है, क्यों? क्योंकि median depends on the central values. ठीक है, हर्ष क्विक, ओके, काउंट रखने का बाबा, 15 तो कंटिन्यूस हो गए हमारे। सिक्सटींथ, मीडियन निकालना है, मैं डायरेक्टली टिक करूंगा, मैं ये वाले सम्स आपके सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व सच सम, 16th आई वोंट सॉल्व, आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आज चल बाद में बात करें इन सब चीजों पे। ओके, द वैल्यू विथ विल अकर विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड 17th, द वैल्यू विच अकर्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ये फॉर्मूला दी गई है आपको मोड की, ठीक है। बोला है डी इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन दी मोडल क्लास एंड दी डैश क्लास। याद है हमने दो किए हैं, एक क्या होता है प्रीसीडिंग और एक क्या होता है सक्सीडिंग। एक होता है प्री मॉडल, एक होता है पोस्ट मॉडल। तो वन जो बेस रहती है हम किसको देते हैं, प्री मॉडल को। टू जो बेस होती है वो किसको देते हैं, पोस्ट मॉडल को। तो प्री मॉडल और पोस्ट मॉडल को उन्होंने प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग लिखा है, ठीक है। और यही सेम फॉर्मूला आपको मॉड्यूल में भी दी गई है, सो यू कैन रेफर इट आज जब आपको होमवर्क मिलेगा उसमें, ठीक है। 20, इन फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एन इज डैश। एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस अकर विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ अकर होते हैं तो इनमें से क्या एग्जिस्ट नहीं होगा, इनमें से क्या एग्जिस्ट नहीं होगा। 21, इनमें से क्या एग्जिस्ट नहीं होगा, मोड एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों बेटा, तुम मोड निकाल ही नहीं पाओगे ना, यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट मोड, ठीक है। क्योंकि मोड क्या होता है, हाईएस्ट अकरेंस ऑफ दी वैल्यूज, ठीक है। 22 ओरली कर सकते हो, बताओ मोड क्या होगा। 22 जल्दी बताओ, व्हाट विल बी मोड, ठीक है। इट इज 4। हर्ष गो अहेड, ट्वेंटी थ्री, फॉर दी ऑब्जर्वेशन 5, 6 एंड सो ऑन। इसके कितने मोड्स हैं, ओरली कर सकते हैं हम लोग, हाउ मेनी मोड्स दिस हैज, और वो क्या है वो भी बताना है आपको। दो मोड हैं, कौन से दो नंबर सेम टाइम रिपीट हुए हैं, 5 रिपीट हुआ है और 3 रिपीट हुआ है, सो मोड इज 2। 24, डैश ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू बी देयर सम डिवाइडेड बाई दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम नंबर 24, सम नंबर 24, इट विल बी अरिथमेटिक मीन। सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड एज, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज हाँ याद करो, इट इज अनवेटेड एवरेज। 26, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन द फ्रीक्वेंसी देमसेल्फ ट्रीट एज वेट्स, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। 26, इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है, ट्रू। 27, Each value is considered only once for, each value is considered only once, किसमें? सुमित बोल रहा है दोनों में। सुमित, वेटेड एवरेज में रिलेटिव इंपॉर्टेंस, आप फिर मिस्टेक कर रहे हैं सुमित। वेटेड एवरेज जब मैं निकालता हूं तो उसमें कभी भी इक्वल इम्पोर्टेंस होता ही नहीं है, करेक्ट। अगर इक्वल इम्पोर्टेंस होता ही नहीं है तो आप हर एक वैल्यू को एक बार कैसे लोगे, करेक्ट। चेंज होते रहते हैं सुमित, ध्यान दो बेटा, डोंट बी इन अ हरी। सिंपल एवरेज,
each value is considered as many times as it occurs. Sumit, iska answer kya hoga? Weighted average. Any doubts to anyone? Thank you, Harsh. ट्वेंटी नाइन से मैं सोच रहा हूं थोड़ा बाद में करें, कुछ इजी मैं करवाने चाहूंगा, ठीक है? कुछ बहुत ही ज्यादा इजी, चलो नहीं करते हैं, लाइन में हो ही जाएंगे वैसे भी. मल्टीप्लाइंग दी वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल बाय दी करस्पॉन्डिंग वेट्स एंड देन डिवाइडिंग दी sum of product by the sum of weights is dash. It is dash. Answer is B. Simple and weighted average are equal only when the weights are equal. Yes or no? Weights are equal मतलब सुमित ध्यान दो, आपने रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसी को भी नहीं दिया, तो सबका इंपॉर्टेंस 1111 हो जाएगा. द वर्ड एवरेज यूज्ड इन सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज जनरली रेफर्स टू डैश. इट जनरली रेफर्स टू डैश. 31. मीडियन और मोड को तो रेफर करेगा नहीं ना बेटा. एवरेज मतलब क्या? मीन. मीन कितने टाइप के होते हैं? एम, जीएम या तो एचएम. यस और नो? ओके. डैश एवरेज इज ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 32. फ्रीक्वेंसीज आर जनरली यूज्ड एज वेट्स. 34 तो भाई अभी दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है. द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट, मैं याद दिला दू. देखिए x बार क्या होता है? समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. करेक्ट, तो समेशन ऑफ x क्या होगा? करेक्ट, सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टू व्हाट? मीन. यस और नो? सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर 34? इट इज am. 35 I am not going to discuss. I am directly writing 35 as D. I am directly writing 35 as D. Is it okay? Harsh, done, Harsh. डेविएशंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. याद आ रहा है क्या हमने प्रूफ किया था? करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? ट्रू. करेक्ट, डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी. नोट्स रेफर करने का जो मैंने करवाए हैं. 37. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन. नहीं, 37 नहीं करना है. We are not going to do 37. 37 हम अभी नहीं करेंगे, बाद में, ठीक है? 38. For a given set of positive observations, harmonic mean is less than geometric mean. True की false? Harmonic mean is less than geometric mean. True. 40.
For a set of positive observations, 39, AM is greater than GM. True, key, false? It is true. Calculation of GM is more difficult than AM. Correct. क्यों? क्योंकि GM में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और nth रूट निकालना है, तो AM से तो डिफिकल्ट है. डैश हैज द लिमिटेड यूज HM. करेक्ट. बहुत ही कम एप्लीकेशन है हमारे. करेक्ट. वन सच एप्लीकेशन वॉज योर एरोप्लेन. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 42 का आंसर जल्दी बताइए. पीपल आर सेइंग ए. ओके, इसको हम बाद में करते हैं. 56 नहीं, 56 भी बाद में, थोड़ा हम रिवीजन के लिए भी बचाना चाहता हूं मैं. हाँ, यहां से करते हैं. सॉरी, एक्सक्यूज मी, 70. ठीक है. डैश इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n बाय 2. 70 वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n बाय 2. मीडियन. डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 4 इक्वल पार्ट्स. डैश इज कॉल्ड एज द अपर क्वार्टाइल. इनल रॉन्ग. थर्ड क्वार्टाइल इज कॉल्ड एज द अपर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल इज डैश. लोअर क्वार्टाइल इज डैश. First, the number of observations smaller than lower quartile is same as the numbers lying between. क्या बोला है? Just a second. Lying between lower and middle quartile. Do you all agree with this? It is going to be a true statement. 25%. Dash are used for measuring central tendency, dispersion and skewness. 75 नहीं करना है हमें. 75 we are not doing it now. ठीक है. Come to 76. Second quartile is known as. ओके, 77 नहीं करना है. ठीक है हर्ष. हर्ष, इज इट डन? ओके, 47 सम्स हुए हैं अभी हमारे. 74 स्मृति बोल रही है रिपीट करने के लिए. स्मृति, आपके लिए डायग्राम बनाता हूं. करेक्ट. 1 2 3 Q1 Q2 Q3 वो बोल रहे हैं Q1 के बिलो जितने ऑब्जर्वेशंस रहते हैं क्या वो सेम होते हैं क्या Q1 Q2 और Q2 Q3 के बीच में? याद आ रहा है स्मृति? करेक्ट. सो इट इज व्हाट, सेम ना? 25%. ओके,
77 नहीं करना है, 78 भी नहीं, 79 बताइए, 79 हाउ यू विल डू इट? क्या बोला है 79 में? लेस देन फर्स्ट क्वार्टाइल द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डैश, पहली क्वार्टाइल से छोटा क्या होता है? इसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी आने चाहिए। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है बेटा? एन बाय फोर, डू यू ऑल एग्री? ओके, 80। फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टाइल के बीच में क्या आता है? फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टाइल के बीच में भी डिफरेंस कितना रहेगा बेटा? हाँ, एन बाय टू। अरे अभी अभी बनाया है यार डायग्राम, ये क्वार्टाइल वन, ये क्वार्टाइल टू, ये क्वार्टाइल थ्री, ये फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टाइल के बीच में कितना है बेटा? एन बाय फोर, 25 का है ना? करेक्ट, बी कैसे बोल रहे हो आप लोग? करेक्ट, सेकेंड एंड अपर क्वार्टाइल के बीच में भी क्या आएगा? सेकेंड एंड अपर क्वार्टाइल के बीच में भी क्या? 25 टक्का, अगेन एन बाय फोर, यस और नो? फिर अबाव अपर क्वार्टाइल, अबाव अपर क्वार्टाइल कितना आएगा बेटा? एन बाय फोर, करस्पॉन्डिंग टू दी फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए भी क्या निकालोगे आप? एन बाय फोर, यस और नो? सभी का आंसर क्या आएगा? एन बाय फोर ही आएगा ना? ओके, कुछ लोगों को वॉइस इश्यूज आ रहे हैं, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, कूल, ठीक है। 79 से 83 इज डन। 79 नहीं समझा, वेरी गुड मोहित आडवाणी, करेक्ट। 79 मोहित आडवाणी को नहीं समझा, अब बताऊंगा तो बहुत दुख होगा उसे। मोहित आडवाणी, Q1, Q2, Q3, लेस देन फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी कितना होता है? एन बाय फोर, यस और नो मोहित? सब 25 टक्का होता है ना? तो 25 टक्का मतलब कितना होता है? 25 टक्का मतलब कितना? एन बाय फोर। Q1 और Q2 के बीच में भी क्या आएगा? एन बाय फोर। Q2 और Q3 के बीच में भी क्या आएगा? एन बाय फोर। Q3 के बाहर भी क्या आएगा? एन बाय फोर। तो आपने मोहित 79 पूछा, मैंने आपको 79 से 83 सब बता दिया। इज इट ओके मोहित? नहीं, कोई बात नहीं यार। नेक्स्ट, 84, 84 बताइए क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 2n/4, करेक्ट। करस्पॉन्डिंग टू अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल 3n/4, द वैल्यू विच डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 10 इक्वल पार्ट्स। करेक्ट, इट इज डिसाइल्स। देयर आर डैश डिसाइल्स, 87। देयर आर डैश डिसाइल्स, वेरी रॉन्ग पारस, सुमित, भूमिका, ऑल थ्री रॉन्ग। डिसाइल 10 नहीं होते हैं, पार्ट 10 होते हैं। डिसाइल D1 से D9 होता है भाई, ऐसे मत करो, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो आप लोग। डिसाइल D1 से D9, पार्ट 10 होते हैं। सी, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट डिसाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, फर्स्ट डिसाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 10/10।
फिफ्थ डिसाइल इज इक्वल टू डैश, सभी लोग आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग। करेक्ट मोहित, द वैल्यू विच डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 100 इक्वल पार्ट्स, परसेंटाइल, करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड डिसाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, करेक्ट, देयर आर डैश परसेंटाइल्स। अब ये लोग गलती नहीं करेंगे। 92, देयर आर डैश डिसाइल्स। 99, हर्ष, डन। टेंथ परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश, सोच समझ के जवाब देना, टेंथ परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट डिसाइल, 10 जब परसेंटाइल होंगे तब जाके पहला डिसाइल होगा। 50th परसेंटाइल इज नोन एज डैश, 50th परसेंटाइल इज नोन एज डैश, करेक्ट, इट विल बी मीडियन। 20th परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश, 20th परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश, वेरी गुड, सेकेंड डिसाइल, करेक्ट। 96 नहीं करना है, 96 हमें नहीं करना है फिलहाल के लिए। फर्स्ट परसेंटाइल इज लेस देन सेकेंड परसेंटाइल, ट्रू की फॉल्स? हाँ, फॉल्स। सुमित, फर्स्ट परसेंटाइल इज लेस देन सेकेंड परसेंटाइल, सुमित यार आप तो यार गलत कर रहे हो यार, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सुमित, ये पहला परसेंटाइल P1, P1 क्या होगा, एक 1% लेस, 99% अबाव। P2 क्या होगा, 2 परसेंटाइल, करेक्ट, 2 बिलो, 98 अबाव। कुछ याद आ रहा है क्या सुमित? सुमित बोल रहा है सब इक्वल होते हैं ना, अरे बेटा लेकिन जब P1 निकालोगे तो इट इज व्हाट, 1 बिलो 99 अबाव, जब 2 निकालोगे 2 बिलो 98 अबाव। यार आप जैसे सिंसियर बच्चे ऐसी बेसिक मिस्टेक करेंगे, मैं क्या करूं, जंप मारूं फोर्थ फ्लोर से? ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश, 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश, वेरी गुड कुशल, रॉन्ग। पहला क्वार्टाइल भाई, 25वां क्वार्टाइल कभी पढ़ा है क्या? क्वार्टाइल बेटा होते ही 3 है, क्वार्टाइल होते ही 3 है, Q1, Q2, Q3। बाहर कोई अगर आपको पूछे कि स्टैट्स किसने सिखाया, प्लीज मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सिखाया कि क्वार्टाइल 25th भी होते हैं। 25th परसेंटाइल P25 विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट क्वार्टाइल। बाहर जाके लाइफ में किसी को मत बोलना कि तुमने गुरमुख क्लासेस पे मेरे से सीखा है, ठीक है? पहले तो लोग यकीन नहीं करेंगे, अगर यकीन कर लिया तो मुझे फोन जरूर करेंगे, ठीक है? फिर मैं डिनाई कर दूंगा, बोलूंगा आप मेरे स्टूडेंट ही नहीं थे, ठीक है? ऐसे मत करो यार, इतना मैं बेसिक गया हूँ यार, एकदम जीरो से गया हूँ, उसके बाद भी अगर आप ऐसा करेंगे यार, आप मेरे एफर्ट्स पे पूरा पानी डाल रहे हो, प्लीज ऐसा नहीं करो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। 99th परसेंटाइल इज इक्वल टू डैश, 90th परसेंटाइल, 90, दिस विल बी 9th डिसाइल, ठीक है? हर्ष, हिनल कितने, 100 के आसपास पहुंचे कि नहीं?
अच्छा अभी बहुत दूर है, 67 पर है। ठीक है, हंड्रेड, फर्स्ट डिसाइल इज ग्रेटर देन सेकेंड डिसाइल, ट्रू की फॉल्स? फर्स्ट डिसाइल इज ग्रेटर देन सेकेंड डिसाइल, इट इज फॉल्स। 101 नहीं करना है, 102 भी नहीं करना है, 103 हम कर सकते हैं। क्वार्टाइल्स डिसाइल परसेंटाइल्स ग्राफिकली किससे यूज करते हैं हम? क्वार्टाइल्स डिसाइल्स परसेंटाइल्स ग्राफिकली किससे? ओगेव्स। सेवेंथ डिसाइल इज द एब्सिसा ऑफ डैश पॉइंट ऑन द ओगेव। ध्यान से देखिए, ये आपका ओगेव है, पहले क्वार्टाइल बनाया था, अभी डिसाइल, D1 D2 ऐसे करते करते D5, ऐसे करते करते D7 और आखिरी आएगा D9। बोला है सेवेंथ डिसाइल ऑन द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सेवेंथ डिसाइल मतलब क्या आएगा? 7n/10। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इट विल बी 7n/10। ओके, रैंक ऑफ द मीडियन इज, रैंक ऑफ द मीडियन इज मतलब जो हम ब्रैकेट में निकालते ना बेटा, वैल्यू ऑफ n+1/2। तो n+1/2 को क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल का क्या होता है रैंक? n+1/4। थर्ड क्वार्टाइल बोला तो 3 times n+1/4। अगर kth क्वार्टाइल बोला तो क्या आएगा? kth क्वार्टाइल, kth डिसाइल, सो k times n+1/10। kth टाइम्स n प्लस 1/10, इज इट ओके? लेट अस कंटिन्यू। 109, रैंक ऑफ kth परसेंटाइल विल बी, रैंक ऑफ kth परसेंटाइल विल बी k into n+1/100। डैश इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/2। n+1/2 मतलब मीडियन, n+1/4 मतलब क्या आ जाएगा? n+1/4, 111। n+1/4 मतलब कौन सा क्वार्टाइल? n+1/4 means which quartile? First quartile. 3 times n+1/4 मतलब third quartile. k times n+1 क्या है? 10 है, right? तो क्या आ जाएगा ये? kth decile. हर्ष ठीक है। 79 सम्स आर डन। अभी होमवर्क लिखिए, इससे सिमिलर सम्स हैं। 114 से लेकर 124 तक, 114 से 124 तक इज दी होमवर्क, करेक्ट? बहुत ही इजी है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज कीजिएगा, ठीक है। मैं होमवर्क लिख देता हूँ, इट्स बिलीव मी इट्स वेरी इजी, करेक्ट? होमवर्क इज 114 ऑनवर्ड्स टिल 124। कितने सम्स हुए बेटा? 10 सम्स, ठीक है। आपको हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो नाउ
होमवर्क मैं आपको कल ही देता हूँ, एक साथ होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है? फिलहाल के लिए हम स्टॉप करते हैं, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट लेक्चर। हाँ गौरव, कल ही डिसाइड करते हैं सवेरे, ठीक है? टुमारो मॉर्निंग वी विल डिसाइड। ओके सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड, थैंक यू।